हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए पितृपक्ष श्राद्ध की थाली लेकर आई हूँ। हम सबके सामने समस्या होती है क्या बनाएं, क्योंकि इसमें बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है। तो मैं बहुत ही झटपट बनने वाली एक थाली लाई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम झटपट अपनी थाली तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने रख दिया है दूध, उसमें चावल डाल दिया है मैंने और मेरी खीर पक रही है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे भिंडी की भुजिया बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया, इसमें मैंने मेथी डाल दी और अब मैं इसमें भिंडी डाल दूंगी अपनी, और इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। आप इस तरीके से बना के देखें, ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी सी भुजिया बनती है इसकी। तो अब मैंने भिंडी डाल दी है इसमें और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्राई करने के बाद दूसरी तरफ मैं अपने अब खीर की तरफ आ जाती हूँ, और यहाँ मेरा चावल पक गया था तो मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी ताकि चीनी अच्छे से मिल जाए और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ यहाँ मेरी भिंडी फ्राई हो गई थी थोड़ी, तो अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा सा और स्वाद अनुसार नमक। और ये देखिए, काफ़ी क्रिस्पी हो गया था फ्राई करते हुए, और इसको मैंने ढक के नहीं पकाया था फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूँगी, आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैं थोड़ा सा काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। मैंने ग्रीन चिली नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, झटपट से हमारी भिंडी की भुजिया बनके बिल्कुल तैयार है। और ये मैं खीर में अब कुटी हुई इलायची ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। और खीर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको हम पकने देते हैं और दूसरी तरफ अपनी दूसरी सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ले लिया है तेल और मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज की। तो मैंने तेल में डाल दिया जीरा, और यहाँ पे मेरे पास काजू नहीं था तो मैंने मूंगफली के छिलके उतार के ले लिए, और साथ में लिए हैं 3 टमाटर, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। इन सब का एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, और ये पेस्ट मैंने अपने ऑयल में ऐड कर दिया है। और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, इसमें मैं अब डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार, और साथ ही डाल दूँगी हल्दी पाउडर। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ गोल्डी का सब्ज़ी मसाला, और सब्ज़ी मसाला डाल के अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। और ये देखिए, हमारा मसाला पक रहा है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे एक बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। तो अगर आप नहीं डालते हैं तो डाल के ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है ये। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ मलाई, घर की फ्रेश मलाई है ये। आप अगर आपको ना पसंद हो तो आप बिना इसको डाले भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा शक्कर ऐड कर रही हूँ, इससे मसाले में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, और ग्रेवी में शाइन आता है। तो आप ट्राई करिएगा शक्कर डाल के। और यहाँ मेरे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके थे और सेपरेट हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे वॉश करके कट की हुई मशरूम ऐड कर दी है, इनको थोड़ा सा भून लिया। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद मैं इसको ढक के पका लूँगी। ये फ्रेंड्स बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो एकदम 30 मिनट में हमारा सारा खाना बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, अब मैं इसको ढक के पकने देती हूँ, और दूसरी तरफ मैं अब अपनी पूड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दो तरह की पूड़ियाँ बनाऊँगी, एक तो बनाऊँगी उड़द दाल की कचौड़ी, और सेकेंडली मैं बनाऊंगी प्लेन पूड़ी। तो उड़द दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दाल ले लिया है पीस के, उसमें नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, फिर मैंने आटा ले लिया इसमें, और इसमें बिना पानी डाले मैं इसको गूँथूँगी और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी चिकनाई के लिए। और यहाँ मेरा डो तैयार हो गया था,
और मैंने प्लेन डो भी तैयार कर लिया था, तो मैं फटाफट से पूड़ी और कचौड़ी अपनी बना लेती हूँ और मेरी बाकी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से खाना बनाइएगा, एकदम झटपट आपकी थाली तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, मेरी सारी चीज़ें बनके बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ मैं पूड़ी और कचौड़ी को थाली में लगा लेती हूँ और मेरा खाना देखिए बनके बिल्कुल तैयार है। तो मैंने यहाँ पे बनाया है भिंडी फ्राई और मशरूम की सब्ज़ी, वो भी बिना लहसुन प्याज की, और ये है खीर, साथ में उड़द दाल की खिचौड़ी और सादी पूड़ी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये थाली पसंद आई होगी बिना लहसुन प्याज की। आप भी इसको बनाएं, और ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी बिना लहसुन प्याज की भी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।